हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एज मंत्रा और मैं रवि सर आप सबका स्वागत करता हूँ वेलकम यू ऑल एंड नाउ वी आर रीचिंग टू द कंक्लूसिव वीडियो ऑफ द चैप्टर द नर्वस सिस्टम तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बिकॉज़ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर और वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है एनिमल के बॉडी में जिसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं रिफ्लेक्स का बेसिक मतलब होता है वेरी सडन वेरी क्विक या एक टाइप का रिफ्लेक्शन तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क क्या है तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्टडी करना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है द बेसिक थिंग्स स्टिमुलस रिस्पांस तो इसका नॉलेज आपको एकदम एग्जैक्टली exactly होना चाहिए तो उसके लिए पहले अगर बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियोस को आप फिर से देख लो ताकि रिवीजन भी हो जाएगा एंड द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर चलिए तो द लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को स्टडी करने से पहले तो सबसे पहले कुछ सिचुएशंस फिर से आपके सामने लाया जा रहा है तो कैन यू रिकॉल द फॉलोइंग सिचुएशन तो देखिए ये पहला सिचुएशन है जिसमें आप देख रहे हो कि एक हॉट फ्लेम को टच करने के बाद इमीजिएटली द हैंड इज़ विदड्रॉन तो जब लोग किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो इमीजिएटली हाथ पीछे हट जाता है देन ये दूसरा सिचुएशन है जिसमें एक टेस्टी पिज्जा अगर आपके सामने लाया गया तो आपने उसका स्मेल ले लिया तो इमीजिएटली क्या है

जो है दे आर रिलेटेड टू द स्ट्यूमलस तो स्ट्यूमलस के बारे में हम लोगों ने शुरुआत के वीडियोस में देखा है तो स्ट्यूमुलस इज़ एनी काइंड ऑफ चेंज जिसकी वजह से बॉडी में कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स होता है क्योंकि तो स्ट्यूमलस ही डिसाइड करता है बॉडी का रिएक्शन या बॉडी का रिस्पॉन्स तो जैसा स्ट्यूमुलस वैसा रिस्पॉन्स तो स्ट्यूमलस किसको कहते हैं कि कोई भी प्रकार का चेंज जो हमारा बॉडी परसीव करता है या सेंस करता है उसको हम लोग स्ट्यमलस कहते हैं And response is nothing but the change which occurs in a body due to a particular stimulus. यानी कि जैसे ही एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस जनरेट होता है तो नर्वस सिस्टम उसको एनालाइज करके बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को रिस्पॉन्स दे देता है तो बॉडी में कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आते हैं तो ऑल दिस थ्री एग्जांपल्स आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्टिमुलस लीडिंग टू वाट रेस्पॉन्स नाउ द स्टिमुलस जो है ये डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा और उसके लिए दो फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट पहला है नेचर एंड दूसरा है स्ट्रेंथ यानी कि स्टिमुलस किस टाइप का है और उसका स्ट्रेंथ कितना है मतलब वो स्ट्रांग है या वीक है बिकॉज अगर वीक स्टिमुलस है तो माइल्ड या नो no रिस्पॉन्स होगा लेकिन अगर स्ट्रांग है स्टिमुलस है डेंजरस स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स भी क्या रहेगा क्विक रहेगा या स्ट्रांग रहेगा सो दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस। चलिए अब थोड़े और सिचुएशंस को देख लेते हैं तो कैन यू सी दिस पिक्चर पिक्चर में यू कैन सी ए जर्नलिस्ट वॉज एक्चुअली टेकन इंटरव्यू और उसके गले में एक सांप को रखा गया था तो इमीजिएटली जैसे ही सांप हिला द लेडी शोर्स द एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑन हर फेस इन द सेकेंड पिक्चर उसके थोड़ी देर बाद शी बिकेम काम अगेन सो दिस इज द फ्राइट रिस्पॉन्स टू स्नैक तो आपके गले में भी अगर स्नैक डाल देंगे तो नेचुअली सिमिलर रिस्पॉन्स विल बी सीन इजेंट इट एंड दिस गाय उसके कंधे पर देखिए एक लिजर्ड वो भी असली लिजर्ड है भाई क्योंकि अगर हमारे कंधे पे या हमारे पीठ पर किसी ने कोई भी नकली भी लिजड़ रख दिया तो तब भी हम लोग उछल जाते हैं सो दिस इज़ ऑल्सो ए फ्राइट रिस्पॉन्स टू लिजर्ड तो क्रीपी रेप्टाइल्स की वजह से अल्टीमेटली हर कोई डर जाता है इवन कॉकरोचेस अगर आपके सामने आ गया अचानक तो नेचुरली द सिमिलर टाइप का रिस्पॉन्स आपको दिखेगा जो फीयर की वजह से डेवलप होता है चलिए अभी एक सिचुएशन देखते हैं दिस गर्ल इज़ वेरी सैड शी इज़ टिंग बिकॉज शी एज द फीयर ऑफ ड्रीम तो उसके सपनों में जो है एक लेडी आती है एंड दिस इज़ द लेडी विच कम्स इन इन एज ड्रीम्स ओके एंड अल्टीमेटली शी इज़ अफ्रेड ऑफ what ghost. तो कैसा लगा डर तो नहीं गया ना तो अगर आप डर गए इसका मतलब है आपके बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया सो द फ्राइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वॉट रिस्पॉन्स जब आप डर जाते हैं तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्यूमुलस पर डिपेंड करता है अब ये जो अभी क्लिप आपको दिखाया है इसमें हर पर्सन जो देख रहा होगा उसका रिस्पॉन्स अलग अलग रहेगा तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन अब हम लोग देखते हैं कि स्टिमुलस के टाइप क्या हैं तो ये भी थोड़ा सा रिविजन ही है तो स्टिमुलस तीन टाइप के होते हैं फिजिकल केमिकल एंड वार्ड बायोलॉजिकल तो दीज आर द फिजिकल यू कैन एक वार्ड स्ट्यूमुलस जिससे बॉडी में चेंजेस आएगा तो ये तो आपके लिए एक थोड़ा सा एक्सरसाइज है तो चेक ईच फिगर एक और देखिए वो कौन कौन सा स्टिमुलस है फिजिकल है केमिकल है या बायोलॉजिकल है तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल के एग्जाम्पल है मैकेनिकल जिससे मूवमेंट होता है जैसे टच ब्रेक प्रेशर एक्सेट्रा एन लाइट हो गया रेडियंट स्टिमुलस थर्मल हो गया हीट या कोल्ड स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल मतलब करंट या शॉक एन केमिकल में आता है स्मेल ऑफ फूड और मटेरियल टेस्ट ऑफ़ फूड और सब्सटेंसेस इरीटेंट्स स्टिमुलेंट्स ड्रग्स एंड ड्राइव पॉइजन ये सब केमिकल स्टिमुलेंट्स है एंड बायोलॉजिकल्स में आता है पैथोजन मतलब जर्म्स उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले एलर्जन्स पेस्ट द एनिमल विच आर हार्मुल टूअर्स देन द पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर या बाहर रह के एक्चुअली बॉडी को डैमेज करते हैं देन द प्रेडेटर हमारे एनिमिल्स एंड इवन द सीक्रेश ऑफ द अदर ऑर्गेजम जैसे अगर आपके सामने किसी पर्सन ने छीक दिया तो अल्टीमेटली वॉट विल बी योर रिएक्शन एंड अभी प्रेजेंटली करोना का पूरा इन्वायरमेंट है तो कोई छीक भी दे खास भी देना दे, चाहिए हम लोग डर जाते तो इसका मतलब है द रेस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन पर्सन टू पर्सन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द स्ट्यूमलेस ना चलिए आगे बढ़ते हैं अभी रेस्पॉन्स के टाइप्स देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है तो रेस्पॉसिस जो है उसके टाइप्स जो है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस मतलब बॉडी को एक्चुअली मालूम है कि वो क्या कर रहा है तो उसके हिसाब से दो टाइप है तो जिन रिस्पॉन्स बॉडी को एग्जैक्टली exactly मालूम होता है कि क्या चल रहा है उसको कहते हैं वॉलन्ट्री रिस्पॉन्स या एक्शंस और जिसमें बॉडी को बिल्कुल समझ में नहीं रहता है कि क्या चल रहा है बॉडी में उसको कहते हैं इन वॉलेंट्री रिस्पॉन्स तो वॉलन्ट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार ये हो रहा है थिंकिंग के हिसाब से हो रहा है और इन वॉलेंट्री मतलब एटोमेटिक हो रहा है तो वॉलन्ट्री एक्शंस आर परफॉर्म कॉन्शियसली मतलब वी आर टोटली अवेयर विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म लेकिन इन वॉलेंट्री जो है वो अपने आप हो जाता है अनकॉन्शियसली होता है देन वॉलेंट्री एक्शंस ऑकर नोइंगली वी नो एक्जैक्टली वॉट हैज हैपन्ड लेकिन इन वॉलेंट्री ऑकर्स अन नोइंगली वॉलेंट्री एक्शंस में थिंकिंग जो है यानी कि ब्रेन एक्टिविटी है स्पेशली सैरिब्रम इज एक्चुअली इन्वॉल्व लेकिन इन वॉलेंट्री में जो एक्शंस होते हैं उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है बिकॉज देर इज नो थिंकिंग अलाउड एंड वॉलेंट्री एक्शन इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाई ब्रेन और ब्रेन का कौन सा पार्ट सेरिब्रम लेकिन इन वॉलन्ट्री एक्शंस जो है वो उसको ए एन एस और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है तो वॉलन्ट्री एक्शंस जनरली मसल्स को ही कंट्रोल करते हैं वो भी वॉलेंट्री मसल्स लेकिन इन वॉलेंट्री एक्शन्स सारे मसल्स को कंट्रोल करते हैं साथ में ग्लैंड को भी तो ग्लैंड के स्टमुलेशन से सिक्रेशंस होगा और मसल के स्टमुलेशन से क्या होगा मूमेंट्स होगा नाव तो वॉल्ट्री एक्शंस जो है वो थिंकिंग से होता है यानी कि टॉकर्स अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर्ड गोल मतलब हमें जैसा बॉडी में चेंज चाहिए उसके हिसाब से ये एक्शन हो रहा है लेकिन इन इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है दैन वॉलेंट्री एक्शंस हमारे विल पर डिपेंड करता है इसके को विल्ड एक्शंस कहते हैं और इन वॉलेंट्री एक्शंस को ही रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं जिसको हम आज तो चलिए अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं वॉलेंट एक्शंस के एग्जाम्पल्स कैन सी ए मदर इज़ फीडिंग द चाइल्ड तो शी इज़ डिलिबरेटली कैन सी पुटिंग द स्पून नियर द मुथ ऑफ द यू कैन सी वॉट चाइल्ड एंड माउथ डायरेक्ट सिम सेल्फ टुवर्ड्स द फूड तो इसमें सब थिंकिंग चल रहा है एंड मैन यू आर राइटिंग द पेपर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इसमें हम लोग पेपर को देखते हैं आंसर्स को थिंक करते हैं और उसको लिखते हैं मैं इनवॉल्ट्री एक्शन में देखिए अगर आपने गर्म कोई तवा पकड़ लिया था अचानक आपका हाथ जो है वो विड्रॉ हो जाएगा तो दिस इज इनवॉलेंट्री और इन द आईज द पीपल जो सेंट्रल यू कैन सी रीजन रहता है पीपल विच इज द गेट फॉर द लाइट टू एंटर इन द आई उसका डायमीटर भी चेंज होता है इन द डिम लाइट और ब्राइट लाइट तो आप इसको खुद ऑब्जर्व कर सकते हो तो डिम लाइट में पीपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इन द आई और ब्राइट लाइट में पीपल का साइज हो जाता है कंस्ट्रिक्ट इसके लिए आपके आंखों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से इन फ्रंट ऑफ द मिरर ब्राइट लाइट में देखने के बाद अगर आप ब्राइट लाइट को देखने के बाद मिरर में देखोगे तो आपका जो पीपल है वो छोटा हो जाएगा मतलब सेकेंड डायग्राम जो है राइट right साइड का डायग्राम और जैसे अगर आपके आँखें बंद किए रहेंगे या डार्क इन्वायरमेंट रहने के बाद जब आप मिरर में अपने आपको देखोग विल फाइंड द साइज ऑफ़ द पीपल विल बी इंक्रीज तो डायलिट होता है तो दिस चेंज ऑकर्स एटोमेटिकली सो दिज आर इनवॉल्ट्री एक्शंस इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है नॉ इन वॉल्ट्री एक्शंस जो है दे आर वेरी स्पेशल बिकॉज दिज एक्शंस ऑकोर वेरी क्विकली एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्लेक्स या रिफ्लैक्स एक्शंस कहते हैं तो रिफ्लेक्स मतलब एक्चुअल मीनिंग रिफ्लेक्स का क्या है तो बिकॉज द रिफ्लेक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड रिफ्लैक्सेस जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना या वापस जंप होना जिस तरह बॉल को आप दीवार पर मारोगे तो इमीजिएटली कैन सी कम्स बैक तो इधर भी जैसे ही बॉडी को रिसीव होता है तो इमीजिएटली रिस्पॉन्स आता है तो यानी कि एज सून एज द स्ट्यूमुलस रिचज द नर्वस सिस्टम सेंटर इमीजिएटली बॉडी के कंसर्न पार्ट को रिस्पॉन्स के लिए मैसेज भेजा जाता है सो इट जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्शन सो दैट्स वाई इम्पलस आर रिफ्लेक्टेड बैक सो दैट्स वाई द स्पेशल टाइप ऑफ विकेंसी वॉट फिनोमना या प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी फॉर सर्वाइवल बाद में सिग्निफिकेंस देखने वाले चलिए अभी हम लोग डिटेल में रिफ्लैक्स एक्शन को स्टडी करते हैं तो रिफ्लैक्स एक्शन जो है तो उसका मीनिंग और कंसेप्ट सबसे पहले देखते हैं तो इट ए क्विक एटोमेटिक इनवॉलेंट्री एंड ऑफर अनकॉन्शियस एक्शन और रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्यूमुलस विच इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय सेरिब्रम या ब्रेन यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो क्विक होता है एटोमेटिक होता है इनवॉलेंट्री होता है मतलब हमारे विल भी नहीं होता है और कभी कभी हमको समझ भी नहीं आता है कि हमारे बॉडी ने ऐसी हरकत क्यों की यह तब होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस बॉडी रिसीव करता है और उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ब्रेन के सेरिब्रम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर इन्वॉल्व कौन होता है तो हम लोग देखेंगे तो दूसरा तरीका है रिफ्लेक्स एक्शन को इट इज इन इमीजिएट इनेंट्री एक्शन ऑफ एन ऑर्गन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग स्टेमुल तो कोई भी स्ट्रांग स्टिमुलस जब बॉडी में रिसीव होता है तो इमीजिएटली अगर इन्वॉलेंट्री एक्शन हो गया यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्शन जनरली वॉलेंट्री होते हैं अगर वो अचानक इनवॉलेंट्री हो गए सो दैट इज अग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल्स इन एटीन थर्टी थ्री नाउ तो आगे अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स विच ऑकर्स इन अवर नॉर्मल रूटीन तो द स्पेशल विकेंसी वॉट एक्शन कॉल नी जग एक्शन एल्बो जग एक्शन तो नीक एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हिट होता है तो इमीजिएटली पैर आगे फॉरवर्ड मूव करता है सेम हैपन्स विद द एल्बो तो उसको एल्बो जर्क कहते हैं देन स्नीजिंग कफिंग हिकअपिंग योनिंग वॉमिटिंग ये भी सब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप से दे ब्लिंकिंग ऑफ आई अगर आंखों में लाइट क्या है इंसिडेंट होता है ब्राइट लाइट किसी ने आपकी आंखों में अगर टॉर्च का रोशनी फेंका तो इमीजिएटली आपकी आंखें क्या है बंद होती हैं देन सेलिबेशन मतलब सलाइवा पुरूस होना मुंह में अगर आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने आपके सामने दिखाई देता है या उसका स्मेल आप क्या करते हो रिसीव करते हो फिर तो अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो इमीजिएटली आप अपने हाथ को विड्रॉ करते हो हटा देते हो या बॉडी का कोई भी पार्ट अगर प्रिक हो गया तो बॉडी का वो पार्ट उस पोजिशन से मूव कर लेता है सडनली तो दिस इज़ ऑल्सो एन रिफ्लेक्स देन स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जो प्लेयर एकदम शॉर्ट पोजिशन पर रहते हैं अचानक अगर बॉल उनके सामने आया तो उनका कैच अगर जो लेते हैं वो एकदम रिफ्लेक्स होता है तो आपने नए तो इट मीन्स दैट इन मेनी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो जिन प्लेयर्स के रिफ्लेक्सेज अच्छे होते हैं दे आर वेरी गुड यू कैन सी एथलीट्स और द प्लेयर्स देन रनिंग अवे फ्रॉम द डेंजर ऑफ एनीमी एनिमी तो अगर आपके आसपास कोई भी डेंजर एनिमी यू कैन सी आ गया तो इमिज है हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और से दूर चला जाता है तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स है न रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी टाइप्स है एग्जाम्पल्स है उन सब को स्टडी करने के लिए तीन तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं तो पहला है बेस कि रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कहाँ से होता है या उसका जो स्टिमुलस है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है तो बेस्ड ऑन ओरिजिनल कंट्रोल दूसरा है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जितने भी नर्व्स हैं उनके इंटरकनेक्शंस कितने हैं तो नंबर ऑफ सिनेप्स एंड तीसरा है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विच इज़ वेरी स्पेशल कि ये डेवलप कैसे होता है नाउ तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में दो टाइप है क्रेनियल है जिसका सेंटर है ब्रेन का स्पॉन्स या मेडुला ऑबलोंगेटा जो हमने मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में पढ़ा है तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल्स मेनी रिफ्लेक्स लाइक स्नीजिंग कफिंग तो ये सब क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं क्योंकि उसका सेंटर पॉन्स या मेडुला मेडोलॉबलोंगेटा है और दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जिसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में रह रहता है फिर साइनअस के हिसाब से अगर एक ही सेंसरी न्यूरॉन और एक ही मोटर न्यूरॉन जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं तब उसको सिंपल मोनो रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं लेकिन अगर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स को मैसेज मिलेगा तो उसके लिए बहुत सारे सिनेप्सिस लगते हैं बहुत सारे सर्किट्स लगते हैं तब उसको कॉम्प्लेक्स पॉलिसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा सेंसरी प्रोसेसर और मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं यानी कि जब हम लोग डर के भाग रहे होते हैं तो उस टाइम पर कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स क्या है काम कर रहा होता है और जब बॉडी का एक कोई पार्ट सडनली हिलता है अचानक बिकॉज ऑफ ए स्टिमुलस तो वो हो गया सिंपल मोनोसाइनेप्टिक तो सबसे इंटरेस्टिंग है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस यानी कि ये रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है तो वो रिफ्लेक्सेस जो नेचुरली एक पर्सन में होते हैं यानी कि हर ह्यूमन में होंगे या हर टाइप के एनिमल्स में होगा तो उसको कहते हैं नेचुरल इनबॉर्न या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स तो नेचुरल कहेंगे इनबॉर्न कहेंगे इनेट भी कहते हैं उसको और वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है इसके लिए उसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं तो इट इज़ द रिस्पॉन्स इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो एटोमेटिक होता है जैसे अगर किसी भी पर्सन के आंखों में कचरा गया तो इमीजिएटली आंखें ब्लिंक होंगी आंखों में टीयर पिर्स होगा तो ये जो है ये है नेचुरल इनबॉर्न अनकंडीशनल भूख लगने पे हर कोई नेचुरली रिएक्ट करता है ये भी एक नेचुरल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस स्पेशल होते हैं तो ये कंडीशन चेंज होने की वजह से होता है एक्सपीरियंस चेंज होने की वजह से होता है तो उसको एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं उसको एडेप्टिव रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं तो क्योंकि ये तब डेवलप होता है जब हम लोग कोई चीज़ लर्न करते हैं जैसे एक बार अगर आपने साइकिलिंग सीख ली तो जिंदगी भर ना एक्चुअली यू विल रिमेंबर इट तो दैट इज द एक्वायर्ड कंडीशनल वॉट रिफ्लेक्सेस तो साइकिल चलाने के टाइम पर बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं वो सब एक्वायर्ड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे नाउ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्सेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है इसके लिए मोस्ट रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल ओरिजिन के तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड चलिए अभी हम लोग तो रिफ्लेक्स एक्शन के ओरिजिन या कंट्रोल के एग्जाम्पल स्टडी करते हैं तो अभी चर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्सेज एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेज एक एक करके देखते हैं तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में फ़र्क है तो अगर कोई रिफ्लेक्स जो है क्रेनियम यानी कि ब्रेन का पॉन्स या मेडोला ऑब्लंगेटा कंट्रोल कर रहा है तो जो रिस्पॉन्स होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है तो देर इज अ स्लो एक्शन रिस्पॉन्स जैसे अभी ये पिक्चर में एक ऐसी एक गाय उसके सामने नेचुरली डिलीशियस फूड रखा है तो सबसे पहले वो स्मेल कर रहा है और फिर आफ्टर ए सर्टन टाइम इट विल गिव रिस्पॉन्स जैसे द स्मेल एंड साइट ऑफ द फूड लीड्स टू सेलिब्रेशन तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इस टाइप के कंट्रोल को हम लोग क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहते हैं बिकॉज देर इज ए चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी लेकिन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस अगर है तो वो अर्जेंट जो काम करता है इट हैज़ ए क्विक एक्शन जैसे अगर एक पर्सन जैसे बॉय दिख रहा है वो हॉट प्लेट को जैसे उसने टच किया तो इमीडिएटली आउच करके वो हाथ हटा देता है तो दैट रिस्पॉन्स इज वेरी क्विक यानी कि यू कैन सी एक सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है लेकिन जो क्रेनियल रिस्पॉन् रिस्पॉन्स है उसमें एक सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है सो क्रेनियल रिफ्लैक्सेज देरफोर आर स्लाइटली स्लो एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेज आर स्लाइट मतलब वेरी फास्ट यानी कि पोत ऑफ देम आर एक्चुअली क्विक लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेज दे आर स्लो बट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर वेरी क्विक एंड फास्ट और ज़्यादा करके रिफ्लेक्सेस अभी मैंने बताया था आपको दे आर ऑफ स्पाइनल नेचर तो हाथ विड्रॉ हो गया और वो पर्सन बच गया नहीं तो हाथ डैमेज हो सकता था तो सैनप्स के हिसाब से सिंपल मोनोसाइनेप्टिक रिस्पॉन्स या एक्शन जो है उसमें क्या होता है एक सेंसरी और एक ही मोटर न्यूरोन इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें है आपका सिंपल टाइप सिंपल टाइप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नीजर्क रिफ्लेक्स या एल्बोजर्क रिफ्लेक्स इसमें जिस पॉइंट को आप यू कैन सी हिट करते हो तो नी के एक स्पेसिफिक पॉइंट को आप हिट करते हो इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे तो उसको कहते हैं पटेलियर लिगामेंट तो उस पर हीट करने के बाद इमीजिएटली पैर जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है देन कॉम्प्लेक्स तब होता है जब एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स बॉडी देता है फॉर ए पर्टिकुलर स्टिमुलस जैसे तो वैन यू कैन सी देर इज़ ए हीट इन्वायरमेंट में हीट बढ़ गया तो इमीडिएटली स्किन के अलग अलग पार्ट्स जो होता है वो स्वेट करने लगते हैं और जब वी एंट्रेन ए कंडीशन जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी के जितने भी वॉल्ट्री मसल्स हैं दे स्टार्ट शिवरिंग मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग या रिलीज रिलैक्सिंग तो इसे शिवर जैसा महसूस होता है और अल्टीमेटली हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो एक से ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन को जब मैसेज दिया जाता है डूरिंग द रिफ्लेक्स तो वो कॉम्प्लेक्स होगा ओनली एक पर्टिकुलर पार्ट को जब मैसेज दिया जाता है तो उसको कहते हैं सिंपल तो इतना आपको याद रखना है अभी सबसे इंटरेस्टिंग है कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो है या ये जो फिनना है डेवलप कैसे होता है तो उसमें पहला टाइप है नेचुरल इसको इनबॉर्न भी कहते हैं उसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं और दूसरा टाइप जो है उसको कहते हैं एक्वायर्ड एक्वायर्ड मतलब इसको लर्न करना पड़ता है उसको भी कहते हैं बिकॉज इट इज जस्ट लाइक एडजस्टमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन क्योंकि ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है कंडीशन को जब चेंज करते हैं तो ही जाके ये डेवलप होगा तो नेचुरल इनबॉर्न अनकंडीशनल इज अनलर्नड रिस्पॉन्स इसमें लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन एक्वायर्ड जो है उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है यानी कि अगर आपने साइकिलिंग नहीं सीखी तो यू विल नॉट यू कैन सी विल बी एबल टू हैंडल द साइकिल लेकिन एक बार आपने अगर सीख लिया तो जिंदगी भर यू विल बी एबल टू हैंडल द साइकिल तो नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन नेचुरल लेकिन एक्वायर्ड के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस जरूरी है देन नेचुरल जो रिफ्लेक्सेस है अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टिमुलस मतलब जैसा स्टिमुलस वैसा कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स आएगा लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है कि एक स्टिमुलस को दूसरे डिफरेंट स्टिमुलस से रिप्लेस कर दिया जाता है तो इसके लिए उसको कंडीशनल कहते हैं जैसे एयर कंडीशन हम लोग एयर के कंडीशन को चेंज करते हैं देन नेचुरल जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इट इज़ सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस और ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज तो एक जैसा रहता है जैसे मैं बोला अगर आपको भूख लगाए तो नेचुरली वट एवर रिएक्शंस यू विल गिव इट विल बी सिमिलर और अगर किसी भी ह्यूमन में भूखा है सामने खाना रखाएगा तो सबके मुंह में क्या आएगा पानी आएगा तो देर विल बी नो डिफरेंस इन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स लेकिन एक्वायर्ड जो है इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अभी नेचुरल इनबॉर्न अनकंडीशन एग्जाम्पल जैसे स्नीजिंग है ब्लिंकिंग है कफिंग है वॉमिटिंग है तो दे आर ऑल प्रोटेक्टिव टाइप का रिफ्लेक्सेस और फिर स्वेलविंग हो गया सेलिवेशन हो गया पेरिस्टाइलिस हो गया सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वॉट एफिशेंसी मतलब बॉडी का एफिशियंसी इंक्रीज होता है ओके okay? तो नेचुरल इनबॉर्न अनकंडीशन रिफ्लेक्सेस अदर नेचुरल रिफ्लेक्सेस जो हमको जन्म से ही मिलता है तो दे आर जेनेटिक उसको जेनेटिक भी कहते हैं क्योंकि वो हर पर्सन में सिमिलर रहते हैं चलिए अब देखते हैं हम लोग इन बॉर्न रिफ्लेक्सेस के एग्ज़ाम्पल जैसे कैन सी द पीपल इज़ डायलेटिंग यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुल यू कैन सी वॉट मतलब तो पीपल लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से अपना साइज कम ज़्यादा कर रहा है देन यू कैन सी आंखों में अगर कोई पार्टिकल गया कोई चीज़ गया तो इमिजिएटली ब्लिंकिंग होती है तो ब्लिंकिंग ऑफ द आइज और एंट्री दैन एके इज द स्नीज रिस्पॉन्स ताकि बॉडी नेजल चेंबर में अगर कोई भी अपर रेस्परेटरी अटैक में अगर कोई भी डस्ट गया कोई भी जम गया तो इमीजिएटली बॉडी उसको थ्रो करने के लिए स्नीज करता है दैन कफिंग अगर लोअर रेस्परेटरी अटैक में कुछ गया तो इमीजिएटली बॉडी कफ्स आउट that you can see foreign particle coughing response and this baby क्या कर रहा है baby the baby is doing yawning जब oxygen supply in the brain decreases तो immediately the बॉडी गिव्स दिस टाइप ऑफ व्हाट रिस्पॉन्स जिसको योनिंग कहते हैं तो ऑल दिज रि जो है वो इनेट रिफ्लेक्सेस है क्योंकि ये जन्म से ही हर ह्यूमन में क्या है डेवलप होता है या रहता है तो इसको लर्न करने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है ये ऑटोमेटिक ही होता है फिर इन रिफ्लेक्सेस देखते हैं तो ये जो रिफ्लेक्सेस है ये हम लोग जन्म से ही क्या है साथ लेके पैदा होते हैं तो ऑल द बेबीज़ जब वो सीखते हैं वेन दे आर यू कैन सी वेरे टाइनी तो नेचुअल उनके जितने भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब रिफ्लेक्सेस होते हैं तो दे आर ऑल यू कैन सी बेसिक इंस्टिंक्ट भी कहते हैं उनको जैसे बच्चा जो सबसे पहले माँ के पेट में क्या सीखता है सकलिंग ऑफ द यू कैन सी मिल्क तो अपने थम को ही वो क्या करता है लिक करने लगता है सकल करने लगता है दैट्स वाई यू केन सी मैनी बेबीज दे आर फाउंड यू कैन सी होल्डिंग द थम इन दर माउथ एंड स्टार्ट अगेंसी सकलिंग बिकॉज ये उन्होंने माँ के वर्म से ही डेवलप किया है यू कैन सी तो पहला पिक्चर जो ऊपर में है वो है यू कैन सी नेक मूवमेंट्स ओके तो उस है ग्रेस्पिंग अगर आप अपना हाथ बच्चे के हाथ के जाओगे तो इमीजिएटली वो उसको होल्ड करता है देन बच्चे को खड़े करने की कोशिश करोगे तो वो चलने की कोशिश करता है और जब आप उसको ऑन द एबडोबन पेट के बल लटाओगे तो नेचली वो क्रॉल करने की कोशिश करता है तो ऑल दीज आर रिफ्लेक्सेस ऑफ द बेबी तो जन्म से ही होता है इसके इसको इनेट कहते हैं सो दे आर द इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस इन वॉट इन्फेंट नाउ तो हम लोग देखते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी रिफ्लेक्सेस होते हैं तो समुद्र में वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी दिस इज द पैरिस्टाइलिक रिफ्लेक्सेस जिसमें फूड जो है वो फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है सो दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्स एक्शन तो खाना जैसे ही थ्रोट से नीचे जाता है तो पूरा ऑटोमेटिक जाता है सेकेंड एज्सी यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है तो इमीजिएटली द सिग्नल गोज टू द्रेन और इमीजिएटली कैंसी यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल आता है जिससे यूरनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को पास आउट करता है तो यूरिन पैसेज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ वॉट रिफ्लेक्स जिसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हार्टबीट ह्यूमन हार्ट कंटिन्यूसली बीट है रिदमिकली तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट रिफ्लेक्स तो विच आर कॉल्ड विसरल रिफ्लैक्स चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ तो एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस अभी देखते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पर्सन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है लर्निंग पे डिपेंड करता है जिसको एक्वायर्ड एडाप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं तो फिर से देखिए रिवाइज का हो गया आपका इज एक्वायर्ड बाय लर्निंग इट डेवलप्स बाय एक्सपीरियंस इट इज़ चेंज बाय डिफरेंट स्टिमलस एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जैसे अभी नॉर्मली सेलिवेशन कब होना चाहिए तो अगर आप हंगरी हो या आपके सामने खाना रखा जाए तब आपके मुंह में पानी आना चाहिए इजेंट इट लेकिन अगर आपके मुंह में खाना नहीं है तब भी आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंडीशनली रिफ्लेक्सिस दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस फिर सेकेंड कि ब्लिंकिंग कब होना चाहिए आँखों में कचरा गया तो जाके ब्लिंकिंग होना चाहिए या डस्ट गया तब तो जाके ब्लिंकिंग होना चाहिए किसी ने आपके आँखों को जब टच कर दिया तब तो ब्लिंकिंग होना चाहिए लेकिन कुछ लोग जो होते हैं डर की वजह से भी नेच ब्लिंक करने लगते हैं अनड्यू फियर की वजह से ब्लिंक करने लगते हैं देन स्वेलिंग कब होता है खाने मुँह में अगर खाना है तब तो जाके आप स्वेलिंग करोगे लेकिन अगर स्वेलिंग आप कर रहे हो लेकिन फूड मूव में नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो वर्ड एक्वाड रिफ्लेक्सेस तो ये इमोशनली कैसे डिस्टर्बेंसेज में होता है फियर में होता है दैन ऑल काइंड ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है जैसे प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दैन टाइपिंग जब हम लोग टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं बिना देखे तो वो भी एक एक्वाड रिफ्लेक्स है प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज ऑल्सो इन रिफ्फस तो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी कैन सी एक्सपर्ट इन कंप्यूटर गेम्स नाउ अभी एडेप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्स को हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सेलिबेशन क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लर्न यू कैन सी एग्जाम्पल टू स्टडी एडेप्टिव कंडीशनल रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है तो सेलिब्रेशन जनरली अगर साइट ऑफ फूड या टेस्ट ऑफ फूड की वजह से होता है तो ठीक तो है लेकिन अगर मुंह में फूड नहीं है तो भी सेलिब्रेशन हो रहा है तो दैट मीन्स दैट नॉर्मल स्टीमुलस इज बिन रिप्लेस बाय एनअदर स्ट्यूमुलस तो वो कैसे तो देखिए कि नॉर्मल सेलिवेशन का जो स्ट्यूमुलस है वो क्या हो सकता है कि साइट ऑफ फूड है या तो स्मेल है या मुँह में आप खाने को लेते हो तो उसके टेस्ट से आपके सेलेविर ग्लैंड सेलेबर रिलीज होगा इज इन डिट लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आपके आजुमे में बेल बज रहा है जैसे रिसस के बेल में इमीजिएटली मुँह में पानी आ जाता है क्योंकि तो जैसे रिसेस का बेल बजता है तो इमीजिएटली उनको मालूम है कि अभी क्या है रिसेस होने वाला है और हम कैंटीन की तरफ जाएंगे तो इसके लिए मुंह में पानी आ जाता है ऑटोमेटिकली या फूड के बारे में सोचने से यमी फूड के बारे में सोचने से मुंह में पानी आ जाता है तो इसका मतलब है कि कंडीशन जो है वो चेंज हो गया है यानी कि साइट स्मेल और टेस्ट जो है जो नॉर्मल एक स्टिमुलस है उसकी जगह पे कोई दूसरा स्टिमुलस जैसे साउंड हो गया या थॉट हो गया उसकी वजह से सेलिवेशन हो रहा है यानी कि एक रिस्पॉन्स के लिए जो मेन स्टिमुलस है उसकी जगह पर किसी दूसरे स्टिमुलस की वजह से वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है तब उसको एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस कहते हैं तो इसका मतलब है जब एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से रिप्लेस कर देंगे मतलब कंडीशन को चेंज कर देंगे लेकिन रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए तब उसको एक्वायर्ड या कंडीशनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं तो इसका मतलब है कि कंडीशनल रिफ्लेक्स एक ऐसा इन्वॉलेंट्री स्पॉन्टेनियस एटोमेटिक रिस्पॉन्स है बिकॉज ऑफ द प्रीवियसली लर्नड एक्सपीरियंस तो किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से जब हम लोग क्या करते हैं कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स चले आगे बढ़ते हैं थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे जो सबसे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट जिसको पाउलो नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया तो इस इज क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट तो पाउलो ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड हाउ द दैलिब्रेशन कैन बी कंडीशन तो इन दिस एक्सपेरिमेंट एक डॉग को बांध के रखा गया है और उसके सामने जस्ट सामने एक ऐसे टेबल है जिसपे सामने स्क्रीन है स्क्रीन के पीछे से डॉग की एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है तो खाना इस तरह रखा है कि डॉग के नॉट ईट तो जैसे फूड उसके सामने रखते हैं जिसमें मीट हो सकता है उसका तो इमीजिएटली उसका सेलिबेशन होगा एंड उसके माउथ से एक ट्यूब जो है उस सलाव्या को कलेक्ट करके उसका मेजरमेंट करते हैं ऑन एन इंस्ट्रूमेंट तो डिपेंडिंग अपॉन दो डॉग के सामने जो कंडीशंस रखते हैं उसके हिसाब से कितना सलाव्या प्रोड्यूस होता है तो उसके हिसाब से एक्चुअली वी कैन एनालाइज द स्टमुलस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वार्ड रिस्पॉन्स क्योंकि खाने का नॉर्मल इनसे स्ट्यूमुलस है साइट एंड वार्ड टेस्ट लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पावलो ने क्या किया कि डॉग को दूसरे एक इनसे स्ट्यूमुलस से क्या कर दिया सेलिवेशन करने के लिए क्या किया एक्टिवेट कर दिया है तो वो कैसे है हम लोग अभी एक पिक्चर में देखेंगे तो पावलो एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग टू स्टडी द कंडीशनिंग ऑफ सेलिवेशन तो कैसे किया चेक कीजिए तो डॉग तो पहला पिक्चर जो है उसमें क्या किया है कि एक स्ट्यूमलेस डॉग को दिया है तो वह है साउंड तो साउंड हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फूड तो इसके लिए कितना भी बेल अगर आप डॉग के सामने बजाओगे तो डॉग के मुंह से बिल्कुल भी सलाइवा पुलिस नहीं होगा वो दूसरे एक्शन करेगा कान मुंह करेगा बॉडी रिगल करेगा टेल मुंह करेगा लेकिन सेलिवेशन नहीं होगा क्योंकि साउंड इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रल स्ट्यूमल्स न्यूट्रल मतलब नेगेटिव स्ट्यूमल्स बोल सकते हैं जिससे एक पर्टिकुलर रिस्पांस डेवलप नहीं होता है यानी कि बेल का जो साउंड है साउंड विल नॉट लीड टू सेलिवेशन फिर दूसरे पिक्चर में द तो सेकंड पिक्चर जो है उसमें क्या है कि डॉग के सामने जैसे उसका फेवरेट फूड रखा गया यानी कि द साइट ऑफ द फूड या स्मेल ऑफ द फूड इमिजिएटली डॉग जो है वो सेलिब्रेट करने लगा फिर थर्ड पिक्चर में क्या किया कि फूड के साथ साथ बेल बजाया, यानी कि पाउलों ने क्या किया कि फूड देने के साथ साथ बेल बजाया, यानी कि यहाँ पे दो स्टिमुलस एक साथ डॉग को रिसीव हो रहे हैं एक साइट ऑफ द फूड और दूसरा साउंड ऑफ द फूड तो ऐसा बार बार किया जा रहा है एंड सिंस द फूड इज गिवन द डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया कि एक टाइम अभी ऐसा आया कि अभी डॉग के सामने जैसे ही बेल बजाते हैं यानी कि फोर्थ कंडीशन में कि डॉग के सामने जैसे ही बेल बजाया मतलब खाली साउंड सुनाई दे रहा है डॉग को लेकिन तब भी उसके मुंह से क्या है सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब है डॉग ने साउंड को फूड से एसोसिएट कर लिया है यानी कि नाव जैसे ही बेल बजेगा तो उसको लगेगा कि खाना आने वाला है तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल यानी कि एक स्टूमलस को जब दूसरे स्ट्यूमुलस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ताकि सेम रिस्पॉन्स आए तो उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्सेस तो इसका मतलब है नॉर्मल स्ट्यूमुलस जो है फूड का जैसे साइट और आपका स्मेल उसको रिप्लेस कर दिया है दूसरे स्ट्यूमुलस से जिसको कंडीशनल स्ट्यूमुलस कहते हैं साउंड से यानी कि फूड का स्ट्यूमुलस हैज बिन रिप्लेस बाय साउंड इससे भी सेलिब्रेशन को हम लोग कर सकते हैं यानी कि इंस्टेड ऑफ द साइट एंड स्मेल द डॉग इज एबल टू सेलिब्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ साउंड क्योंकि उसके माइंड ने फूड को बेल के साउंड के साथ एसोसिएट कर लिया है तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग एंड दिस कंडीशनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एक आवर नॉर्मल एक्टिविटी क्योंकि लर्निंग में नेचुरली जब हम लोग सीखते हैं शुरुआत में तो एक एनसी फिनिना की वजह से हम लोग को दूसरा एकैंसी फिनोमिना लर्न होता है तो वो कंडिशनिंग कह है तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ ह्यूमन जैसे सी चेक दिस लेडी वॉट शी इज़ डूइंग इज़ टाइपिंग ऑन की बोर्ड लेकिन वो की बोर्ड को देख नहीं रही है लेकिन देखो जब सबसे पहले उसने टाइपिंग सीखा होगा तो नेचुरली शी मस्ट हैव इन कंडीशनिंग है ना मतलब सब रूल्स देखा होगा लेकिन एक बार उसके माइंड ने सेट कर दिया कि फिंगर कहाँ पे है तो नेचुरली शी कैन डू द टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द की बोर्ड तो इज इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग फ्री केंसी दिस गायज प्लेइंग द पियोनो विदाउट लुकिंग एट द कीज कैंसी तो ये भी क्या है कंडीशनिंग का इफेक्ट है यानी कि एक समय ऐसा आता है यानी कि शुरुआत में आपको सब अगर पियोनो सीखना है तो आपको हर कीज़ को सबसे पहले आंखों से देखना है लेकिन एक बार आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो इमीजिएटली या फिंगर रोल्स ओवर द की एंड प्लेज द प्रॉपर म्यूजिक तो इसको कंडीशनिंग कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आप क्लास से भागते हो जैसे रिसेस की बेल बजती है क्योंकि आपने रिसेस बेल को लंच के साथ क्या है एसोसिएट कर लिया है तो कभी कभी यही होता है कि अगर रिसेस की बेल 10 मिनट पहले ही बज गई तो हमको क्या लगता है कि रिसेस हो गई है तो एनी बेल ऑफ द रिसेस ओके okay? यानी कि कोई अगर गलती से बेल रिसेस बेल की तरफ बजाए गए तो इमीजिएटली क्या होता है हम लोग रिसेस समझ जाते हैं और पेंडोमोनियम हो जाता है क्लास में पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है फिर एसन ए टीचर कम्स ए स्ट्रिक्ट टीचर कम इमीजिएटली ऑल द स्टूडेंट द स्टैंड अप दिस इज़ ऑल्सो एन ए कंडीशनल रिफ्लेक्ट क्योंकि बताया गया है स्टूडेंट को कि टीचर आया तो रेस्पेक्ट देना है देन अप्लाइंग सडन ब्रेक्स इन व्हीकल अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो बाइक चला रहे हो साइकिल चला रहे हो अचानक कोई बंदा आपके सामने आता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है खतरा आता है तो इमीजिएटली ब्रेक लग जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो कंडीशनिंग देन टाइंग द शू इज़ टाई विदाउट सिंग तो अगर आप टाई बांधते हो शू लेस बनाते हो तो देखने की जरूरत नहीं है कि आप नॉट कैसे बांध रहे हो तो अपने आप क्या है नॉट बन जाता है एंड देन अगेन सी प्लेजिंग प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गेम्स तो बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे हैं जो लर्न करके ह्यूमन क्या है कंडीशन हो जाता है इवन इन एनिमल्स यू विल फाइंड कंडीशनिंग यू कैन सी वॉट जैसे ये पुलिस डॉग इन एक्शन का है तो ही हैज बीन गेटिंग ट्रेनिंग टू कैच द सस्पेक्ट ओके तो इसको ट्रेनिंग देने के बाद जो एक्चुअल सिचुएशन में इसको लिया जाएगा तो वो सेम रिस्पॉन्स देगा देन यू कैन सी कैट शो इन द सर्कस यू कैन सी द कैट ऐसा कोई ह्यूमन भी परफॉर्म नहीं कर सकता है तो आपको मालूम है जो एनिमल्स दे आर वर्किंग इन द सर्कस द ट्रेंड तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है पनिशमेंट दिया जाता है और बार बार एक ही एक्टिविटी अगर वो ठीक करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है नहीं तो पनिशमेंट मिलता है तो दैट्स वाई उनके ब्रेन में वो एक्टिविटी किस तरह करना है वो फिक्स हो जाता है मेमोरी में तो पैरेट इज डूइंग ए साइकिलिंग एक्टिविटी ऑफ यू कैन सी चेक द एलिफेंट तो इज ए वेरी गुड जगलर तो इट इज डूंग एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर एन एनिमल तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग विच इज कॉल्ड कंडीशनिंग ट्रेनिंग चलिए अभी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन का सिग्निफिकेंस देखेंगे तो व्हाई रिफ्लेक्स एक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है रिफ्लेक्स एक्शन का कि इट हैज़ गॉट सर्वाइवल वैल्यू मतलब इससे हमारा बॉडी न कभी प्रोटेक्ट होता है बल्कि डेंजर से भी बचता है तो लाइफ वुड हैव इन इन डेंजर विदाउट रिफ्लेक्स एक्शन इन इमरजेंसीज तो इट हेल्प्स ह्यूमन एंड एनिमल टू एडजस्ट क्विकली इन द चेंजिंग एनवायरमेंट इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन अगर हर मैसेज ब्रेन प्रोसेस करने लगा तो ब्रेन थक जाएगा उसको कहते हैं ब्रेन फटेगी एंड द पर्सन कैन डैमेज हिज नर्वस सिस्टम में लॉट और इसका कारण यही है कि ज़्यादा करके रिफ्लेक्स उसको स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन का आधे से ज़्यादा काम कर लेता है जब इमरजेंसी के बाद होती है और फिर इससे इनवॉलेंट्री जो नर्वस सिस्टम है पी उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बिकॉज दे डोंट हैव टू सेंड द इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूस टू ब्रेन क्योंकि स्पाइनल इन एक्चुअली बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है और इससे बॉडी में होमियोस्टेसिस और बैलेंस मेंटेन होता है सो दैट द पर्सन का ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाता है इंटरनल एज वेल एज़ एक्सटर्नल मतलब वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी एफिशिएंटली हो जाते हैं और रिफ्लैक्स एक्शन में अभी देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली जो इम्पल्स है वो फ्लो होता है तो ये कैसे फ्लो होता है तो चेक दिस पिक्चर अगेन हमने लास्ट यू कैन सी वीडियोज में देखे थे कि हाउ यू कैन सी द इम्पल्स फ्लो फ्रॉम द रिसेप्टर अप टू द इफेक्टर्स तो जैसे अभी आंख के सामने पानी का ग्लास है मतलब यू कैन सपोज आपको पानी पीना है तो यू हैव टू लोकेट द यू कैन सी ग्लास ऑफ वाटर और जैसे आँख उसको देखता है तो वो मैसेज ब्रेन तक जाता है तो नॉर्मल मैसेज नॉर्मली ग्रोज टू द ब्रेन तो ब्रेन में डिसीजन होता है कि पानी पीना है या नहीं पीना है और ब्रेन कंसर्नड हैंड को नेचुरली फिर वो मैसेज देता है एंड द हैंड यू कैन सी रीचेज टू द ग्लास ऑफ वाटर एंड द पर्सन ड्रिंक्स तो दिस इज द नॉर्मल वे बाय विच अवर नर्वस सिस्टम वर्क्स कि रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में जाता है तो ब्रेन में होते हैं एसोसिएशन या प्रोसेस न्यूरॉन तो ब्रेन से फिर मैसेज कंसर्नड ऑर्गन स्पेशली मसल या ग्लैंड तक जाता है जिससे वो रिस्पॉन्स देता है तो ये हो गया आपका नॉर्मल यू कैन सी पाथवे सो दिस से दम नॉर्मल पाथवे तो जब तो नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेन से ही नेचुरल क्या है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आता है तो जिसमें नॉर्मल पाथवे लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया जैसे अगर वो पानी जो है वो गर्म है या तो ग्लास बहुत ही गर्म है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्यूमलेस टू होगा तब क्या होने वाला है कि वो जो रिस्पॉन्स है हाथों का वो इमीडिएटली जो है ब्रेन से जाने से पहले ही स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालिसिस करता है और हाथों को इशारा दे देगा यानी कि जो है एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पेशल न्यूरॉन उसको इंटर न्यूर कहते हैं वो शॉर्टकट का काम करता है बाईपास का काम करता है और इमीडिएटली कंसर्नड बॉडी ऑर्गन स्पेशली मसल्स को मैसेज मिल जाता है यानी कि ब्रेन तक मैसेज जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड कंसर्ड पार्ट को मैसेज दे देता है और इसी को रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं तो जस्ट लाइक बाउंसिंग ऑफ द इंपल्स इसके लिए इसको रिफ्लेक्स कहते हैं जस्ट लाइक ए रिफ्लेक्शन चलिए अभी दिस इज द डायग्राम ऑफ द तो स्पाइनल रिफ्लेक्स जो सबसे कॉमन है तो यू कैन सी ऑन द राइट साइड यू कैन सी स्किन से मैसेज जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन और नॉर्मल मैसेज अगर रहेगा तो वो ब्रेन तक जाएगा लेकिन अगर वो स्ट्रांग मैसेज है तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में है एडजस्टेड न्यूरॉन तो वही मैसेज जो है कंजर्न मसल को क्या है दे देते हैं इसका मतलब है कि मैसेज ब्रेन तक जाता ही नहीं है या ब्रेन तक पहुँचने से पहले ही स्पाइनल कार्ड जो है इस रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है तो इसके लिए उसको रिफ्लेक्स कहते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड सिंपल रिफ्लेक्स तो है नीजक तो पैर का जो नी है तो वहां ना एक्चुअली कटोरा रहता है एक बोन है उसको कहते हैं पटेला तो पटेला इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए लिगेमेंट इस लिगेमेंट को अगर हम लोग हिट करेंगे तो इमेजिएटली क्या होता है द लेग मूव्स तो उसको हम लोग कहते हैं नीजक रिफ्लेक्स एंड दिस इज दिन पाथवे ऑफ द इंपल्स फ्लोइंग थ्रू वॉट नीचक तो पैरों पे जैसे ही हैमर हिट करते हैं एट ए पटेलर रीजन द सिग्नल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड इमीजिएटली पैरों के मसल को मैसेज देते हो और पैर जो है वो आगे मूव करता है तो इसी को आप देखिए अंडरस्टैंड है, करते हैं यहां पे सो द लेग हैज बिन हिट बाय यू कैन सी द हैमर हैड ए पॉइंट कॉल पटेलर लिगामेंट तो व्हाइट टिश्यू जो दिख रहा है वो है पटेलर लिगामेंट उसको हैमर से हिट किया तो इमिजिएटली जो मैसेज है स्टिमुलस है वो ब्लू जो है ब्लू जो वायरिंग है वो है सेंसर न्यूरॉन तो स्पाइनल कॉर्ड में देखो ग्रीन कलर का एक वायर है दैट इज़ द इंटर न्यूरॉन और वो इमिजिएटली जो है लेग के मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल को मैसेज देते हैं तो बायर मोटर न्यूरॉन और इस तरह क्या है एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जिससे पैर आगे मुँह करता है तो दिस इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स इम्पल्स और इसी को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विकली क्या हो गया रिस्पॉन्स आ गया एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क आर नॉट रिलेटेड तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हाथ ने आपके हाथों को किसी हॉट चीज ने टच किया तो इमीडिएटली हाथ विड्रॉ होता है सडनली इट इज बिकॉज ए स्पेशल रिफ्लेक्स आर्क क्रिएटेड तो हाथों का मैसेज इमिजिएटली कैन सी वॉट तो रेड वायर जो है वो सेंसरी वायर है जो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है स्पाइनल कॉर्ड में दैट ब्लू कलर का जो वायर है वो है आपका इंटर न्यूर और इमीजिएटली वो ब्लू वायर से जो मोटर न्यूर है वो हाथों को मैसेज देता है हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं सो इट ऑकर्स विद इन वन सेकेंड तो इसके लिए उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और इस पाथवे को रिफ्लेक्स आक कहते हैं तो दिस इज द रिफ्लेक्स आंक नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क द पाथवे थ्रू विच द इम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क अब इसके पाथवे और कॉम्पोनेंट है देखते हैं तो सेम कॉम्पोनेट्स है तो इट हैज गॉट फाइव कॉम्पोनेंट तो पहला है रिसेप्टर जितने भी सेंस ऑर्गन है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपका जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में तो सेंसरी न्यूरॉन तो स्पाइनल कॉर्ड में होता है इंटर न्यूरॉन विच इज द थर्ड कंपोनेंट और वो फिर मैसेज दे देगा टारगेट ऑर्गन दैट इज मसल थ्रू मोटर न्यूरॉन तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से इंटीग्रेशन सेंटर दैट इज इंटर न्यूरॉन फिर मोटर न्यूरॉन और लास्ट में इफेक्टेड दैट इज मसल तो इस तरह एक फ्लो होता है इम्पल्स का रिफ्लेक्स इम्पल्स का सो दिस इज द यू कैन सी वॉट पिक्चर द स्टिमुलस रिसेप्टर रिसीव करता है फिर वो सेंसरी न्यूरॉन में पैस करके कोऑर्डिनेटर के पास जो होता है इंटर न्यूरॉन उससे वो मोटर न्यूरॉन के पास जाता है मोटर न्यूरॉन मैसेज को इफेक्टर यानी कि मसल तक पहुंचाता है और इमीडिएटली मसल में जो भी चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं रिस्पॉन्स ऑकर्स वेरी क्विकली और सबसे कॉमन ये स्पाइनल कॉर्ड करता है तो इस तरफ या गॉट फाइव कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क तो पहला है ऑल काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स तो उससे अराइज होते हैं सेंसरी न्यूरॉन एफरेंट न्यूरॉन फिर जो न्यूरॉन एक्चुअली मैसेज को प्रोसेस करता है अंडरस्टैंड करता है उसको एडजस्टर प्रोसेसर इंटर न्यूर कहते हैं और जिस न्यूरॉन से मैसेज मसल तक पहुंचता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन जो है फाइनली मैसेज को टारगेट ऑर्गन स्पेशली मसल्स या ग्लैंड तक पहुँचा देता है तो उसको कहते हैं इफ़ेक्टर ऑर्गन तो इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है तो फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स तो रिसेप्टर ऑर्गन वो सारे ऑर्गन सेल है जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एनालिसिस करते हैं जैसे एक्सटर्नल रिसेप्टर हो गया स्किन टंग आई नोज बॉडी के अंदर के रिसेप्टर इंटेर रिसेप्टर्स कहलाते हैं फिर एफरेंट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है जो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है फिर थर्ड कंपोनेंट एडजस्टेड न्यूरॉन है जो नर्व सेंटर्स में होता है जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में इट इज़ प्रेजेंट इन मिडलोबलॉन्गेट एंड पॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में इट इज़ प्रेजेंट तो उसका काम है सेंसरी न्यूरॉन के इम्पल्स को रिसीव करके एनालाइज करना और मोटर इम्पल्स जनरेट करके टारगेट ऑर्गन तक मोटर न्यूर के जरिए पहुँचाना फिर मोटर न्यूरॉन जो है उसको एफरेट न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि यही जो है इफेक्ट और ऑर्गन तक रिस्पॉन्स का इम्पल्स लेके जाएगा और फाइनली जिस ऑर्गन में इम्पल्स रीच होता है जिससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको कहते हैं टारगेट ऑर्गन जो या तो एक्साइट हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा तो मेन है मसल्स एंड ग्लैंड तो दैट्स वाई मसल में जब मैसेज आता है तो वो मूव करता है प्रॉपर्ली और ग्लैंड से सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है तो इस तरह एक रिफ्लेक्स एक्शन कम्प्लीट होता है तो रिफ्लेक्स आर्कस के भी टाइप्स हैं तो दो तरीके से हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं तो पहला है बेस्ड ऑन टारगेट ऑर्गन मतलब ये रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स कौन से ऑर्गन तक जा रहा है तो सोमेटिक रिफ्लेक्स आर्क उसको कहते हैं जिससे मैसेज बॉडी वॉल मतलब आउटर स्किन और लिम्स को कंट्रोल करता है और दूसरा होता है विसरल अभी सोमेटिक का एग्जाम्पल है नीजअ रिफ्लेक्स और दूसरा है विसरल विच इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनल ऑर्गन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को वो कंट्रोल करता है जैसे गट रिफ्लेक्स मतलब पैसेज ऑफ फूड मिक्सचुरेशन यूरिनेशन इसके रिफ्लेक्सेस विसरल कहलाते हैं तो दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ साइनर्स तो अगर एक ही कनेक्शन है मतलब सेंसरी और मोटर के बीच में है तो उसको कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स जो जनरली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है और अगर मल्टीपल उसका भी एग्जाम्पल नीच वर्क रिफ्लैक्स है और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल जो है वो है आपका फ्राइट रिफ्लेक्स यानी कि अगर आप चल रहे हो इमीजिएटली किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ डाल दी सांप जैसा कोई चीज़ तो इमीजिएटली आप भागोगे या आपने किसी चीज़ को टच किया एक रोप है लेकिन आपको लगा कि वो क्या है सांप है तो जब आप भागोगे तो बॉडी के प्रैक्टिकली हर मसल एक्टिवेट हो जाते क्योंकि व्हेन वी आर रनिंग और प्रैक्टिकली ऑल वॉलेंट्री मसल्स गेट एक्टिवेटेड तो उसको कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स रिफ्लैक्स हासिल करते हैं क्योंकि मल्टीपल मसल्स या ग्लैंड तक सिग्नल जाते हैं तो इन दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर तो इस तरह ये चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ तो आई होप यू अंडरस्टूड तो हम लोग फिर आगे फिर से मिलेंगे बाय फॉर नाउ विद न्यू चैप्टर और न्यू चैप्टर में फिर से आपका मैं स्वागत करूँगा तब तक बाय बाय गुड डे गुड नाइट टेक केयर